चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यूनिक क्वेश्चन है ना ऐसा है कि ये क्वेश्चन अजीब सा है थोड़ा अलग क्वेश्चन नंबर फोर्टी बस आपको सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किया कैसे कैसी ठीक मान लो रिप्लेसमेंट का ही मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अब वो क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इतना मैं बोल सकता हूँ कैपिटल बिस्टिंग का क्वेश्चन है ठीक है पढ़ते कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट मशीनरी में पैसा लगाना चाहते हो पचास हजार कहा जाता है इस क्वेश्चन को एक बार नहीं किया ना तो वो आप एकदम से तो नहीं बनेगा पर फिर भी एक देखता हूं आपका दिमाग कितना पचास हजार लगाना चाहते कब लगाना चाहते मतलब जीरो फर्स्ट ईयर इट एस्टिमेटेड दैट द नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी एटीन थाउजेंड पर एन एम फॉर थ्री ईयर्स मशीनरी में पैसा कब लगा रहे हैं आज कितना

सर्विस अपार्ट। अपॉ रिपेयर पचास हजार की मशीन लगा रहा है कब लगा रहा है? आज कितने साल तक पैसा आएगा तीन साल तक कितना अठारह हजार यहां तक बात समझ में आई है आगे जो शब्द लिखा ना ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है इफ द कंपनी ऑपरेश ऑप शब्द मतलब चाह रही है चूज कर रही है अगर सर्विस करवा लेते हैं कब फर्स्ट ईयर में किसका सर्विस करवाना है पार्ट। कोई पार्ट होगा कोई मशीन का पार्ट होगा तो बोले दस हजार रुपए का खर्चा आएगा और इस सिचुएशन में स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा थर्ड ईयर में बारह हजार पाँच सौ बारह हजार पाँच सौ किसका स्क्रैप वैल्यू है मशीन का पार्ट का तो हो नहीं सकता अब आगे बढ़ते हैं हाउएवर इफ द कंपनी डिसाइड टू नॉट टू सर्विस द पार्ट देन इट विल हैव टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईयर टू एट 15400 ये किस चीज की बात है भाई हाँ, तो फर्स्ट ईयर में 10000 का खर्चा नहीं आएगा 15400 किसका आएगा मशीन का कि पार्ट का रुक गया मशीन नॉट <laughs> पार्ट।, पार्ट का नारह हजार सॉरी पंद्रह हजार चार सौ सेकेंड ईयर में तो इट मीनस यार वो डिसीजन क्या पूछ रहा होगा क्या लग रहा है कि उस पार्ट का सर्विस करवाए कि उसको रिप्लेस ही कर दे आगे बट इन दिस केस मशीन विल वर्क फॉर द फोर्थ ईयर आल्सो हजार फॉर रहा है तो फिर मशीन तीन साल नहीं चलेगी टोटल मिलाकर चार साल और चौथे साल भी कितना आएगा अठारह हजार और फोर्थ ईयर में मशीन बेचने पर कितना आएगा नौ हजार टैक्स का को कोई चक्कर नहीं है डिस्काउंटिंग रेट है टेन परसेंट बताना है की एन पे भी क्या आएगा रफली uh, एक बार रफली करके देखते और भी है क्या सॉरी इफ द सप्लायर गिव्स डिस्काउंट फाइव थाउजेंड फॉर परचेस व्हाट वुड बी डिसीजन वो बोले बाद में देना डिसीजन पहले इसका बता दो डिस्काउंट की बात तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो सर्विस करवाए या तो रिप्लेस कर दे चलो मशीन खरीदे कितना पैसा जाएगा पचास हज़ार जाएगा तो ऐसे लिख दो मैं पचास हज़ार ठीक है पैसा जाएगा ऐसे रफली करके देखते पैसा आएगा कितना कितने साल तक अठारह हज़ार इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर्स देखो तीन साल का फैक्टर मल्टीप्लाई करके बोलो हाँ चार में ले लो इसमें बोला माइनस की प्लस फोर फोर सिक्स टू पक्का इसके अलावा सर्विसिंग करवाएंगे तो दस हजार का खर्चा है कौन सी ईयर में खर्च है एट ईयर वन सर्विसिंग की बात हो रही है ना पार्ट का सर्विस करवा रहा है तो दस हजार का और एक खर्चा है फर्स्ट ईयर के एंड में तो दस हजार इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन आधा सर कितना नाइन जीरो नाइन प्लस की माइनस पैसे जा रहा है और फिर मशीन को बेच भी तो सकते हैं बारह पाँच सौ में कब थर्ड ईयर तो बारह पाँच सौ इंटू थर्ड ईयर का फैक्टर नाइन थ्री नाइन वन प्लस की माइनस हाँ प्लस तो टोटल मारो और तो कुछ है नहीं देखते हैं कि पैसा एनपीवी कितना देखो दिया सर। मैंने सर्विस का तो निकाला आप रिप्लेस करो रफ में करो वो दिक्कत नहीं रिप्लेस चाहिए मुझको फिर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे जैसे मैंने किया ना बिना कुछ लिखे वैसे आप भी करके बता दो मान लो दस नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए एमसीक्यू सर నే అవుంట అభివృద్ధి విదావుట్స్ ఆన్స్ చూ ఫో సిక్స్ సెవెన్

पैसा लगेगा उस पार्ट को खरीदना पड़ेगा ना यार <laughs> क्वेश्चन अगर आपने ठीक से रीड नहीं किया समझ में नहीं आने वाला आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन मशीन सर्विस करवाना चाहिए पार्ट का कि रिप्लेस कर पॉजिटिव जब आप सर्विस करवा रहे तो एनपीवी जो निकला है वो कितने साल का है कितने साल है? और ये कौन सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए करके कौन सा क्या कर लोगे एक माइनस एक प्लस हम इक्विवेलेंट कर भी लेते वैसे होना चाहिए अगर दोनों पॉजिटिव होता तो फिर करना पड़ता पर एक नेगेटिव है उसका इक्विवेलेंट करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा ठीक बनाएं क्वेश्चन अच्छा अब टाइम पास, पास किया है अब वो टाइम पास क्या है सर जिससे हम मशीनरी खरीद रहे हैं अगर वो पांच हजार रुपए डिस्काउंट दे देता तो क्या डिसीजन आता तो पचास की जगह कितना फोर्टी फाइव तो आंसर क्या आता में प्लस करो उस माइनस वन हजार कितना है सिक्सटी टू आंसर क्या दिया 62? और दूसरे वाले में भी प्लस कर देंगे पाँच हजार आंसर अच्छा खत्म क्वेश्चन सेम सेम डिस्काउंट अगर देता तो भी हम मशीन सॉरी रिप्लेस ही करते तो बनाए इस क्वेश्चन को कि बना लो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाते ये तो बना लिए हाँ इसके जैसा और एक क्वेश्चन है वो बनाते ये तो होमवर्क दे दी ये वाला क्वेश्चन है ये वाला नहीं है ये वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये आपके आई सी का क्वेश्चन है पी वाई के सेवन पेज नंबर सेवन पॉइंट सेवन ठीक ओके बोले कोई कंपनी है प्लानिंग टू इन्वेस्ट कितना रुपए मशीनरी में लगाना चाहते हो एक लाख ठीक है ऑफ uh, ईयर ठीक है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड पर एन एम फॉर थ्री ईयर्स कंपनी हैज टू ऑप्शन पहला कितना प्यारा क्वेश्चन है मतलब साफ सुथरा बोले दो ऑप्शन बता भी दिया उस क्वेश्चन में ऐसा बताया नहीं था लिख दिया था उठाकर बोले या तो सर्विस करवा लो या रिप्लेसमेंट करो किसका पार्ट का अगर आप सर्विस करवाते हो तो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा बीस हजार और इन दिस सिचुएशन स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कितना हो जाएगा? पच्चीस हजार अगर कंपनी डिसाइड करती कि नहीं यार रिप्लेस करना है तो सेकंड ईयर में रिप्लेस आएगा कितना तीस हजार आठ सौ इसकी वजह से मशीन चौथे साल भी चलेगी और चौथे साल का कैश इन्फ्लो थर्टी सिक्स थाउजेंड अब पढ़ने में मजा आ गया होगा कुछ समझ नहीं, नहीं था <laughs> यही फायदा है यार खुद से एक नया चीज आएगा ना तो नहीं पढ़ पाओगे पर एक बार पढ़ लिया है ना तो ये क्वेश्चन है सर हलवा फाइनल वाले बच्चे बोलते हैं सर हलवा क्वेश्चन तो यहाँ कितना जाएगा इसका वैल्यू कितना है अठारह है इसका उन्होंने तो डालेगा नहीं डाला है अच्छा मतलब सर फिगर को डबल ही मारा है सीधा चलो इसको कर लेते हैं आंसर ये है अगर डिस्काउंट ना हो तो बताओ क्या कौन सा अगर डिस्काउंट हो, होता है दोनों में तो फिर क्या होगा ये पूछ रहा हूं चलो मैं मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन से अलग अलग कर रहे हैं बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन नंबर वन इसमें कोई वर्किंग नोट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन वो सर्विस पार्ट तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन तो लिखे देंगे कॉस्ट ऑफ़ मशीन कोई टेबल नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में करें और सर इंस्टीट्यूट उन्होंने भी नहीं बनाया कॉस्ट ऑफ मशीन कितना रुपए जाएगा पचास यार ये फिफ्टी और इसके अलावा कैश इनफ्लोस हाँ लेकिन ये शो करना पड़ेगा बोलो हर साल कितना आएगा छत्तीस हजार एक्टर बोलो टू तो पॉइंट एट, एट एट नाइन अब यार कहीं ना कहीं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि एनपी भी निकाल रहे हैं तो इसमें ट लगा माइनस का साइन लगा दो इसके अलावा और क्या था सर्विसिंग कॉस्ट है ना सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है बीस हजार और फर्स्ट ईयर के एंड में पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन वन एट वन एट टू इसके अलावा सेल्विस पच्चीस हजार और पच्चीस हजार थर्ड ईयर में है पॉइंट सेवन फाइव वन थ्री वन एट सेवन एट टू एन पी भी यार हमारा तो नेगेटिव आना चाहिए नाइन एट सेवन फोर हो तो सकता है मैंने गलत लिखा नेगेटिव नाइन एट सेवन अभी चलते हैं ऑप्शन नंबर टू प्लेस पार्ट, ठीक है कॉस्ट ऑफ मशीन तो वही आएगा यार पचास एक लाख और रिप्लेसमेंट कॉस्ट थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड सेकेंड ईयर का फैक्टर पॉइंट एट टू सिक्स फोर टू फाइव फोर फाइव ओके सी एफ एडी या कैश इनपो मतलब कितना आ रहा है थर्टी सिक्स थाउजेंड ना इंटू थ्री पॉइंट अठारह हज़ार सिक्स एट थ्री जीरो वन डबल टू एनपे में NPV. Hiya. प्लेसमेंट एंस इज असार्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा दें अब सुनो अब हमको डिस्काउंट मिल रहा है कितना डिस्काउंट है तो यार यहाँ नब्बे हजार लिखकर पूरा टोटल मारने की अपेक्षा यहीं दस हज़ार ऐड कर देते हैं अगर डिस्काउंट ना हो तो कौन सा अच्छा वो तो हमने ये अगर डिस्काउंट है दस हजार तो क्या एनपीवी बढ़ेगा यहाँ कितना आएगा दस नौ सौ चौवन क्या यहाँ भी एनपीवी बढ़ेगा यहाँ कितना आएगा ये तो माइनस में वन ट्वेंटी फाइव इसमें भी एनपीवी पॉजिटिव है उसमें भी एनपीवी पर उसमें तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है उस कंडीशन में भी वही ऑप्शन अच्छा ठीक वो भी लिख लेते फ इसकाउ पी टेन थाउजेंड फर्स्ट सर्विस दार्ट पार्ट एनपी पहले माइनस था कितना था माइनस नाइन एट सेवन फाइव और डिस्काउंट प्लस दस हजार कर देते हैं तो पच्चीस इज द पार्ट वन ट्वेंटी uh, ये कितना है इधर दस हजार अभी भी क्या है रिप्लेसमेंट इज बेटर देख लीजिए ठीक है चलो जी। तो आपके दो क्वेश्चन खत्म हुए एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप बताओगे कि करना कैसे हर एक क्वेश्चन नया है वो जो कल वाला रिप्लेसमेंट किया ना उसमें एक ही वैरायटी के क्वेश्चन थे खत्म हो गए बड़े बड़े क्वेश्चन ये आपको सोचना पड़ेगा छोटे छोटे क्वेश्चन है दिमाग आपको चलना ठीक है सर रिप्लेसमेंट जनरल मैनेजर जो है वो क्या सोच रहा है रिप्लेसमेंट करने का क्वेश्चन फोर्टी सिक्स मिल गए हैं सभी को और ओल्ड मशीन है पांच साल पहले ठीक है इक्विपमेंट हैज डब्ल्यू डी वी मतलब बुक वैल्यू क्या हो गया जीरो कौन सी मशीन की बात हो रही है ओल्ड आप चाहो तो इसको मॉडर्नाइजेशन एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज वन लैख फोर्टी थाउजेंड इससे जो लाइफ जो खत्म हो चुकी है वो पाँच साल और बढ़ा दी जाएगी एक लाख चालीस हजार आप मेजर रिपेयरमेंट या ओवर हॉलिंग कॉस्ट बोलते हो आप समझ में आता ना कि कैपिटलाइज हो जाता है जो आपको पता है अच्छे से एक लाख चालीस हजार खर्च करो मशीनरी पे लाइफ बढ़ जाएगी पाँच साल और पाँच साल बाद इसको कितने में बेच देना तीस हजार में सीधी सी बात है एक चालीस लगाइए और बता रहा बाकी कहानी है कि मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूसिंग लेबर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि भैया क्यों उसमें पैसा लगा रहे हो नहीं खरीदो की कितने की आएगी तीन पचास लाइफ कितनी रहेगी पाँच साल और सेलवेज कितनी रहेगी साठ इट मीन हमारे पास दो ऑप्शन हो गए या तो मॉडर्नाइजेशन करना है मशीन को या तो फिर रिप्लेस करना है और बाकी सब वही कहानी है अब बताएं कि यार अगर हम ये करते अगर ये हम करते तो इसके कंपैरिजन में कितना फायदा सबका दिया हम टोटल में देखते ना यार बताओ इसके कंपैरिजन में कितना फायदा हो जाएगा ये कॉस्ट है एक बीस का खर्चा आता था अब सत्तर पाँच सौ फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड बचेगा ये फायदा है मतलब सी बोल सकता हूँ मैं अगर हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो अगर हम नई मशीन खरीदते तो कितने का फायदा इससे कंपैरिजन करो इससे बोलो कितना आ गया एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अस्सी पाँच सौ का हर साल का फायदा इसको मैं क्या नाम दूंगा सी टैक्स का रेट पचास परसेंट रिक्वायर रेट ऑफ रेट है टेन परसेंट रफ में कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ सकता आपको पता है ना डेप्रीशियशन का मेथड कुछ दिया है क्या नहीं तो ऐसे ले तो एक काम करो पहले सीएफएटी निकालो इंक्रीमेंटल In अच्छा ओल्ड मशीन कितने की बिक रही है नहीं, आज आज मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो नहीं बिकेगी ना यार आज 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 तीस यार तो साल बात। आज कितने की बिक रही है जीरो कुछ नहीं बताया है अगर हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो भी जीरो तो देखो अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो हम टेबल कैसे बनाते थे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन मैंने सेल ऑफ ओल्ड मशीन सेल ऑफ ओल्ड मशीन में तो आए तो अगर मैं मॉडर्नाइजेशन में आज कितने का खर्चा है एक चालीस और ये करूं तो तीन पचास यहां तक ठीक है अब इंक्रीमेंटल सी तो निकल ही सकता है और वो तो यहीं से निकल जाएगा यहां से ये जो डिफरेंस है इंक्रीमेंटल सीएफबीटी इंक्रीमेंटल डेप्रेशिएशन कैसे निकलते थे डेप्रेशिएशन ऑफ न्यू और डेप्रेशिएशन ऑफ ओल्ड तो है ही नहीं है उसका तो डब्ल्यू भी जीरो हो गए पहला एक काम करो बहुत प्यार से इसके हिसाब से इसके हिसाब से नहीं मुझे नहीं करवाना क्वेश्चन रफ में करो इसके हिसाब से मुझे आंसर चाहिए वन फोर वन टू टू आ जाना चाहिए जैसे करना है करो फिर हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे पहले दिमाग तो चलाओ एग्जाम में कैसे करोगे अब इसके बाद मैं कह रहा हूं कि ठीक है सर ये तो हम कर लेंगे अब हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन के साथ अब सेकंड वाला तो इजी है जब फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड चलो बनाते हैं इसको अब मुझे बताओ कि अलग अलग करें या एक ही टेबल में पर उतनी जगह है आपके पास हाँ तो एक काम करते हैं देखो मेरे साथ कैलकुलेशन ऑफ एनपी कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी दो अल्टरनेटिव है हमारे पास एक का नाम है मॉडर्नाइजेशन और दूसरे का है रिप्लेसमेंट तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एफबीटी इंक्रीमेंटल सीएफ वर्किंग यही दिखा दूंगा बताओ कि एग्जिस्टिंग मशीन एग्जिस्टिंग मशीन जिसमें हम दोनों ही काम नहीं कॉस्ट कितना आ रहा था एक लाख बीस हजार मॉडर्नाइजेशन करने से कॉस्ट कितना आ रहा सेवेंटी थाउजेंड तो डिफरेंस कितना आ गया ठीक है, है। यहाँ की बात करें रिप्लेसमेंट की एग्जिस्टिंग का तो एक बीस लग ही रहा था पर नई मशीन खरीद रहे हैं थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड एटी फाइव हंड्रेड आ गया इसमें से क्या माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डिप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन कैसे निकाला जाता वो भी यहाँ वर्किंग आप चाहो तो अलग से दिखा सकते हो एक लाख चालीस हजार माइनस तीस हजार डिवाइडेड बाय फाइव ट्वेंटी टू थाउजेंड यहाँ मशीन का कॉस्ट कितना है पचास माइनस सिक्सटी थाउजेंडेड बाय फाइव एट थाउजेंड चल जाएगा तो अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा सी एफ ए टी कितना है ईस हज़ार पाँच सौ बाईस हजार ठीक है आएगा टैक्स टैक्स का रेट कितना पचास परसेंट वन थ्री सेवन फाइव ज़ीरो वन वन टू फाइव ज़ीरो सर इसको ले लेते हैं हम लोग वन और इसको ले देते हैं टू तो ये आ गया इनक्रीमेंटल सी टी फाइव सेवन फाइव जीरो सिक्स नाइन टू फाइव ज़ीरो ठीक ओके सर और सर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स कितना परसेंट दस परसेंट पाँच साल थ्री पॉइंट सेवन नाइन नहीं बस नहीं जीरो वो बोल थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो आ गया हमारा पी वी सी आई वन थ्री फाइव फोर सर इसमें भी जोड़ देते क्या हाँ अच्छा प्लस इसी में सेल्वेज जोड़ देते इसमें कितना आएगा लास्ट में नहीं थर्टी फाइव थाउजेंडी थर्टी थाउजेंड और लास्ट ईयर का फैक्टर कितना पॉइंट तो और इधर मतलब वो वाला बिना फैक्टर से मल्टीप्लाई सिक्सटी थाउजेंड इन पॉइंट टू वन तो कितना आया था थ्री सिक्सटी तो सर अब आ जाएगा हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन तो सब ऐड कर दिया हम इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा वन वन फाइव फोर वन टू थ्री और इसका थ्री टू नाइन नाइन सेवन वन एट और माइनस पी वी सी ओ इसमें कितना पैसा जा रहा है एक चालीस इसमें जा रहा है तीन लाख पचास हजार तो सर एन पी भी आ गया फाइव जीरो टू एट टू माइनस में वन फोर वन टू थ्री प्लस में तो मॉडर्नाइजेशन इज बैटर आठ दस नंबर ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो है यह है टी वाई के टू पेज नंबर सेवन पॉइंट सिक्स मतलब आप ही के मॉड्यूल का क्वेश्चन है उतना सीधा क्वेश्चन नहीं है ठीक है क्वेश्चन पढ़ेंगे बताना मुझे क्या करना पढ़े लॉकउट लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विथ अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन अब न्यू खरीदना तो न्यू भी दो है एक है एक मॉडल ए और एक है मॉडल बी मिल गया दोनों का में पैसा कितना लग रहा है पांच लाख सेल्वेज वैल्यू ऑफ़ दी ओल्ड मशीन रुपीज वन लैख मतलब ओल्ड मशीन को बेच रहे हैं तो सेलवेज मतलब बात की कि आज की चलो आगे बढ़ते हैं सही बात दी यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेसेस मॉडल ए तो जो ओल्ड मशीन है ना उसके कुछ पार्ट्स वगैरह होंगे उसको हम यूज कर सकते हैं अगर हम कौन सा खरीद रहे हैं मॉडल है और पर ऐसा नहीं कि उसी पार्ट से काम चल जाएगा आपको एडिशनल पार्ट्स भी खरीदना पड़ेगा इसमें पैसा कितना लगेगा एक लाख अगर मैं ए में जाता हूं तो पांच लाख तो जाएगा जाएगा और एक लाख कौन सा वाला जाएगा एडिशनल यूटिलिटीज और ओल्ड मशीन को क्या करेंगे बेच देंगे कितने में अभी इस पे सस्पेंस ठीक है अगर मैं मशीनरी बी परचेज करता हूँ मान लो ठीक है तो क्या बोल रहा है जो एग्जिस्टिंग मशीन का पार्ट है ना वो काम नहीं आने वाला है हमको तो नया खरीदना पड़ेगा अच्छा नया खरीदोगे तो कितना लगेगा तो सर वो एग्जिस्टिंग मशीन का यूटिलिटीज है उसका क्या करोगे वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज विल बीस और इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब मतलब सी एफ एटी मतलब सी कैश फ्लो लिखा है ना भाई 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 भाई, भाई कैश इन तो लिखा है ना यार सी एफ एटी ठीक कैश इन तो लिखा हुआ है. और सेलवेज ये सेलवेज दिया ए और बी का अब सवाल बस एक ही जगह रुका है वो सेलवेज किसका है एक लाख है ओल्ड मशीन का है कब का है आज, आज का ही मानेंगे अब तो तो अब है कि अगर हम मशीन ए खरीदते हैं मॉडल ए कितना पैसा आज जाएगा नेट हाँ पांच लाख प्लस एक लाख माइनस एक लाख हाँ लाक। 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 तो कितने प्यार से बोलोगे ना ठीक है पांच लाख समझ में आया ना पांच लाख ये एक लाख का यूटिलिटीज और एक लाख को बेच देंगे मशीन को अगर हम बी पे जाते हैं तो ये दो लाख ये अस्सी ठीक है और यहाँ आपको कुछ इंक्रीमेंटल करना नहीं है बोलते आप टेंशन मत लो हम तो दे रहे हैं कितना कैश फ्लो आएगा और लास्ट में सर्विस दिया है डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर है कि नहीं है क्योंकि सीएफटी दिया है। लगाओ कैलकुलेटर और उठाओ और देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा सर आंसर मैंने लिख दिया है ठीक है सर आगे से वो हो लेकिन जान लेने वाली बात है एन पी वी डिस्काउंटिंग पे पीरियड डिजायरेबिलिटी फैक्टर खैर हमारा टारगेट एन पी वी तो निकाले फिर तो हम बनाई देंगे एन पी वी दिख रहा है आपके सामने शॉर्टकट सबको पता है एन पी वी निकालोगे इस मशीन में पैसा कितना जा रहा है पाँच लाख है ना इसमें और इसको डिवाइड वाले से कर लो या फैक्टर वाले से कर लो आपकी मर्जी कैसे में फैक्टर दिया है अच्छा इधर दिया है तो वाओ यार ये तो दस नंबर का भी क्वेश्चन नहीं दस नंबर का क्वेश्चन कैसे दे दिया है? फोर्टी फाइव है ठीक बिल्कुल सही ऐसे बी का निकाल लोगे चलो तो बनाए क्वेश्चन प्यार से सजा तो कर बनाते थोड़ा सा फोर टू फाइव एट ठीक है सर तो अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेकिन सिर्फ ये ही नहीं मांगा है हमसे मांगा बहुत कुछ है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड याद है कुछ करके अभी पता लगेगा पहले एनसीसी तो निकालते आप ये नहीं बोल सकते कि सर पहले ज़माने में आते थे आप ही मो, A, F, ए एफ सॉरी आपका जो नया एफ एम आया ना उसका मॉड्यूल है तर, सर सर दूसरा वाला वन एट वन फोर जीरो ओहो टेबल बना के करे पहला तो आ जाएगा हमारा ई और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और यहाँ मॉडल एउंट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अच्छी माइनस नहीं करेंगे ठीक है <laughs> कैश आउटफ्लोस इंक्रीमेंटल कैश

एडिशनल खर्चा है वो सब इधर लिखना पड़ेगा ना यार एडिशनल <laughs> यूटिलिटीज में लगने वाला था क्या एक लाख लाख ओल्ड यूटिलिटीज बेचेंगे ना और सेल ऑफ ओल्ड मशीन यहां कितने का इसका। नाम जाएगा बोल दीजिए तो कौन से वाला वाला चाहिए और एक पांच लाख पांच और दो सात पांच लाख अब क्या जाएगा इंप्रीमेंट है तो शायद सीएफएटी दिया है निकाल कर सबको प्लस करके नहीं लिख सकते हाँ जैसा लग रहा है आपकी प्रेजेंटेशन चेक करना पड़ेगा नहीं वो तो टेस्ट में पता लगेगा गया फाइव फोर टू फाइव एट जीरो मैं सी ए बन चुका हूँ तो यहाँ जाएगा फोर टू फाइव एट जीरो एन पी हाँ लेकिन बेटे देखो मैं ना मेरा एक्सपीरियंस अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ना फ्रीज हो जाते एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना क्योंकि फिर याद का सर होते समझा देते तो फिर हम लिख लेते तो वहाँ दिक्कत फाइव नाइन एट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो खुद से बनाओ कॉपी में तो किसी की हिम्मत होनी होगी ना दिक्कतें सबको मालूम है काटना पड़ेगा यही भी निकल सकता है एनपीवी तो आ गया है सभी लोगों का आ जाएगा एनपीवी के हिसाब से वैसे तो हमको ये मशीन खरीदना चाहिए जब हमने पीआई निकाला तो पीआई इसका कितना आया भाई और इसका पीआई के हिसाब से भी कौन सी मशीन और इसके बाद क्या निकाल लेना डिस्काउंटिंग पे वो निकाल लोगे आप ठीक है और डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड ये दिया है आंसर फोर पॉइंट सिक्स वन फोर पॉइंट और डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड के हिसाब से भी ये कम कम तो एनपी के हिसाब से ये डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड ये पी आई भी ज्यादा तो ठीक है कौन सी मशीन का? सर काउंटिंग पे बैक पीरियड उसका ज्यादा आता या उसका कम आता तो फिर क्या बोलते अलग लिख देते कि तो, एन और पी आई के हिसाब से ए और डिस्काउंट बी ठीक डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होमवर्क फॉर्मूला पता है ना डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड का क्या फॉर्मूला है हाँ टेबल बना के फिर हम कुछ कर होमवर्क है आंसर देख क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पी वाई के थर्टीन पेज नंबर सेवन पॉइंट एट मतलब सर आज सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के ही चल रहे हैं जी खत्म होने वाला है हाँ जी हाँ जी आज तो नहीं होगा उड़ा के नहीं बढ़ा भगा नहीं सकता मतलब कल आराम से रिलैक्स हो और सबसे बड़ा चैप्टर फिर तो टाइम नहीं लगेगा और क्योंकि ये क्वेश्चन आप कैलकुलेटर में बना रहे हो कैपिटल वेस्टिंग तो सोचो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेवरेज का क्या हाल करो अभी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन लेकर करना अच्छा है दिमाग चलाना पड़ेगा कुछ बच्चे शायद कॉस्ट के एक्सपर्ट बच्ची हो गए मेरे पास कॉस्ट क्या होता है ठीक है उसका यहाँ एप्लीकेशन है देखता हूँ कैसे डुबाते यहाँ कैसे <laughs> तो कोई केमिकल कंपनी है सर ये आई सी ए आई जी आपके मॉडल रिप्लेसमेंट uh, का क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो वो पहले ही बता दी। इस प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म रुपीज वन पर गैलन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और अभी कितना वेस्ट पचास हजार गैलन तो कोई केमिकल है और कितना आउटपुट होता है कितना हमारे पास वेस्ट मटेरियल है पचास हजार गैलन और एक रुपया उसका डिस्पोजल कॉस्ट है तो बताओ कितना पैसा आता है पचास हजार आता है कि लगता है वो कैसा आएगा? हाँ। हाँ, आएगा ना यार यार ये जो कचरे वाले आते हैं मान लो इसको हमारे घर के अंदर भी कचरा है वो ले जा भाई तो पैसे लेगी उससे <laughs> ये बोल क्या <laughs> बोल क्या केमिकल <ना? laughs> कंपनी है पेइंग एन आउटसाइड फर्म कहा गया भाई ऐसा आएगा कि जाएगा जाएगा अभी तक तो ये समझ में आएगा जाएगा ठीक है कितना रुपया जाएगा पचास, पचास। ओके सर पचास पर हमने रिसर्च किया और रिसर्च करने पर पाया कि ये जो कचरा है इसको बेचा जा सकता है दस लेकिन ऐसे नहीं बेचा जा सकता इसका फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा कभी नाम सुना होगा और इसके लिए कितना रुपए की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी छ लाख अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा है कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया और मशीन कितने साल चलेगी दस साल नो सेल्विस एप्रीशिएशन कौन सी मेथड एस एल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या क्या है पूरा पढ़ना पड़ेगा सर प्रेजेंट सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ हमको किस चीज का खर्चा आएगा एडवर्टाइजमेंट का बीस हजार का खर्चा आएगा वो ये बता तो कितना खर्च हो गया एडिशनल डिटेल प्रोसेसिंग कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट कितना है पाँच सेलिंग प्राइस कितना है दस और वेरिएबल कॉस्ट कितना है पाँच फिक्स कॉस्ट नीज़ी नीज़ी सर एक्सक्लूडिंग ठीक है डेप्रीएन अलग से करना अच्छा कितना यूनिट्स हम बनाकर बेचेंगे क्या लगता है देयर विल बी नो लॉसेस इन प्रोसेसिंग पचास हजार यूनिट से डालोगे ना तो कोई वेस्टेज नहीं है पचास हजार गैलेंस मतलब उतना ही यूनिट से निकलेगा ये ये तो आपको पता है ना प्रोसेस कॉस्ट में पड़ा था और कितना यूनिट्स बता दिया पचास हजार प्रोडक्ट बनाएंगे मैनेजमेंट जो है वो चॉइस करे डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट और आ, प्रोसेसिंग इस मतलब फर्दर प्रोसेस करें कि नहीं करें वो एन पी निकाल लेंगे और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना आपको पंद्रह परसेंट और टैक्स का रेट कितना है पचास परसेंट और पंद्रह परसेंट के हिसाब से दस साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्यू फैक्टर दे रखा है अब पहला काम है कि हम ये जो है सी निकालें अब सी पहले रफ में ठीक है जुगाड़ लगाओ सी एफ एटी कैसे सबसे पहले सेल्स दस रुपए कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन बोलो पचास हजार कितना आ तो गया कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना ढाई लाख इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या नहीं माइनस फिक्स कॉस्ट कितना और एक कॉस्ट था ना एडवर्टीजमेंट का बीस हजार दो लाख आ गया दो लाख का नाम बोलो सी एफ बी टी ठीक डेप्रेशन बोलो साठ हजार डेप्रेशन हो गया साठ हजार हो गया डेप एक चालीस ये हो गया टैक्स का रेट मतलब सत्तर हजार तो सी एफ ए टी बोल दो एक लाख तीस एक तीस एकतीस इनटू एक्टर्स 5.019 six five two four seven zero ये तो हो गया अभी क्या सेल्विज का भी चक्कर है क्या सेल्विज तो है नहीं है तो मशीन का कॉस्ट कितना है छह लाख छह लाख माइनस करते हैं मेरे पास मॉडल मेरे पास बुक में आंसर है इस नंबर कौन सा सेवन पॉइंट एट के थर्टीन और थर्टीन का आंसर आ रहा है वन डबल सेवन नाइन फोर फाइव एक बात बताओ सिंपल सी बात ये जो कचरे वाले को दे रहे थे पैसे अब दोगे क्या वो तो पैसा बचा ना यार हाँ ये भी बात है अभी तो इसकी बात तो बस समझ में आ रही है ना वो पैसा बचा तो पचास और ऐड करो इसमें से जो भी आया था एनपीवी लेकिन ये पचास हजार हर साल का बच रहा है सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई पचास हजार तो हर साल का बच रहा है तो टोटल कितने साल तक बचेगा पांच साल दस साल तो पचास हजार इंटू फाइव फाइव पॉइंट एक दिक्कत है बस यहीं फंसे हम लोग यहाँ हमसे गलती हो

एक नब्बे इसको मैं तीन लाख कर दू ना इसको तीन लाख कर दिया हूँ नहीं इसको दो पचास कर दिया हूँ यहाँ कितना आया था एक लाख नब्बे हजार टैक्स कितना नाइन्टी फाइव थाउजेंड दो लाख पचास हजार माइनस पंचानबे हजार वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड इन टू इन टू इन

<laughs> <laughs> सुना सुनो ये रूम किराए से लिया है याद है ऐसा कुछ स्टोरी सुनाया था आपको और मेरी क्लासेस नहीं चल रही है तो मैं सोचा किसी को रेंट पे दे देता हूँ अब ये बताओ रिसर्च करने वाले हो कि कर चुके कर चुके अगर प्रोजेक्ट नहीं करते तो क्या साठ हजार बच जाता रिसर्च हो गया यार मजा आया मार्केट अच्छा है चलो करते हैं काम करते हैं चलो मत करो तो क्या होगा साठ हजार मिल जाएगा क्या वो तो गया पैसा आप चाहे डिसीजन यस में लो चाहे नो no में लो वह पैसा ऐसे भी जाना है वैसे भी जाना है कॉस्ट अच्छा फिर से बता दो सर मैं साठ हजार रुपया लगा चुका हूँ रिसर्च पे ठीक है और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि देखो जी ऐसा ऐसा है आपका कहना है कि सर ये जो छह लाख रुपया माइनस किया तो कितना आ रहा है एनपीवी थ्री सेवन नाइन फोर फाइव ठीक है हाँ कह रहा मान लो ये आया मान लो ये आया अब सुनना ध्यान से क्या एनपीवी पॉजिटिव है यस फिर आपने कहा सर सुनो रिसर्च भी तो किया है वो भी तो माइनस करो अभी मेरा दिल कर रहा चलो करते हैं प्रोजेक्ट एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है आपने कहा रिसर्च का कौन माइनस करेगा मैंने कहा माइनस कर देता हूँ चलो माइनस क्या किया रिसर्च का खर्चा क्या नेगेटिव आ गया और आपने मुझे सलाह दिया कि यार मत करो प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया लेकिन यार ये साठ माइनस जो करवाया है इसका कोई लॉजिक है क्या बस मैं ये ये सुनना चाहता साठ हजार अगर मैं माइनस नहीं करता हूं। अगर चलो मैंने मैंने माइनस कर दिया मैंने माइनस कर दिया तो मेरा नेगेटिव आ गया पर हजार क्या मेरे पास से अभी जाने वाला है 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 जा जा चुका है। ये जा चुका ये तो इसको माइनस करो ये थोड़ी पैसा अगर मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव है अगर प्रोजेक्ट नहीं भी करता तो मेरी बात समझो ये साठ मुझे मिल नहीं जाता क्वेश्चन बस इतना सा है याद करो मैंने आपको वो वाला एग्जाम्पल करवाया था मैंने जो प्रेमाइसिस है वो रेंट पर ले रखा था रेंट एक साथ दे दिया था कितना दस हजार एक महीने के लिए रेंट पर और मुझे लगा कि बच्चे आएंगे बच्चे आए ही नहीं।, नहीं बच्चे आए तो दोस्त आया बोलता दो हजार में दे दो और मैंने दो हजार में मांगने का उन्होंने कहा कि दो हजार रेंट दूंगा अब मैं करूं प्रॉफिट लॉस निकालू चलो निकालते अगर रेंट पर दे देता हूं तो कितना आएगा दो हजार दो हजार आएगा और गया कितना तो तो मेरा लॉस कितने का है? अगर रेंट पर नहीं देता हूं तो आएगा क्या जीरो और माइनस क्या करूंगा दस हजार तो कितने का लॉस है तो भाई मेरा बस इतना कहना है कि यार अल्टीमेटली आप इस दस हजार को इग्नोर करके भी तो डिसीजन ले सकते थे बस मैं कह रहा हूँ संक कॉस्ट सुना है आपने कभी ना ऐसे खर्चे जो पहले हो चुके हैं डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है ये कॉस्टिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट इरेलीवेंट कॉस्ट में और भी बहुत सारी कॉस्ट है गलती से यहाँ डाल है संक तो रिसर्च हमको लेना है कि नहीं? नहीं नहीं क्यों नहीं। क्योंकि शब्द लिखा आफ्टर स्पेंडिंग आपको डिसाइड करना कि क्या करना सर ब्रेक की ज़रूरत है अभी ऐसा बोलना चाह रहे हो ठीक है जी ब्रेक है ये क्वेश्चन बना लोगे ठीक है ब्रेक है ब्रेक के बाद फिर आगे चलो सर कितने मिनट का ब्रेक हुआ कम से कम पंद्रह मिनट का एक क्वेश्चन होमवर्क दिया चाहो तो अगर ब्रेक में बोर लग रहा है तो वो क्वेश्चन आप होमवर्क भी कर सको बर्क कर मॉडिफाइड आइए मॉडिफाइड आई आर आर एक्चुअली आपका है नहीं है हिस्सा ये फाइनल का है पर पता नहीं डाल दिया है क्वेश्चन नहीं है उसके पर कॉन्सेप्ट से तो हमको समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो आप कर लीजिए तो लिखोगे टॉपिक का नाम मॉडिफाइड आई आर आर Modified, I guess. Example. कॉस्ट ऑफ मशीन एक लाख ए टी फर्स्ट ईयर सेकेंड ई ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में आएगा फोर्टी टू थाउजेंडी फाइव थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस परसेंट कैलकुलेट आई आर आई आर आर सबको आता है ठीक तो आई आर आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है मतलब फिर भी ओवर एक कि सर एक मीनिंग ये है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है टेन परसेंट अगर हम यहां पैसे नहीं लगाते हैं मार्केट में पैसा लगाते तो हमको दस परसेंट की कमाई होती अब निकालोगे पहले निकालो एनपी कितने परसेंट के हिसाब से दस परसेंट के हिसाब से पहले एनपी वी निकालो सर डिवाइड वाले से करें कि डिवाइड वाले से चल जाएगा फैक्टर से करने का दिल है तो फैक्टर से कर लो एट एट फोर थ्री जीरो ठीक है अभी कर रहे हो आप आई आर रेट क्या आएगा दस से ज़्यादा की दस से कम दस परसेंट पे पॉजिटिव एनपीवी है तो रेट क्या आएगा दस से ज़्यादा बस इंटरपोलेशन करोगे इसके दूसरा पंद्रह ले लो ठीक है उन दोनों के इंटरपोलेशन कर लीजिए आंसर निकाल तो वही फोर्टीन के आसपास आएगा हाँ फोर्टीन पॉइंट सेवन जीरो मतलब सेवन वन ले, ले। अब है अब एनपीवी समझना एक्चुअली क्या है कितना पैसा लगा रहे आज आज एक लक लगाओगे तो पहले साल कितना आएगा फोर्टी टू थाउजेंड दूसरे साल कितना आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और थर्ड ईयर में कितना आएगा फोर्टी फोर और हम क्या मानते हैं कि जो पहले साल पैसा आएगा उसका यूज नहीं करेंगे उसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या रेट चल रहा है दस परसेंट हम ये कोशिश क्या रहेगी कोशिश ये रहती है हमेशा हम जो भी काम कर रहे हैं एनपीवी आई आर हमारे हमेशा एजेंशन रहता है कि जो बीच में कैश फ्लो है जिसको आप बोलते इंटरमीडियरी कैश फ्लो उसको री इन्वेस्टमेंट करते हो और किस रेट पे करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी मार्केट में रेट चल रहा है और मार्केट में रेट क्या चल रहा है अभी दस परसेंट बता सकते हो फोर्टी टू थाउजेंड को अगर मैं यहाँ लगाऊँ दस परसेंट कितने साल के लिए लगाओगे एक साल, साल। दो साल।, साल तो बताओ कितना हो जाएगा क्या रेट चल रहा है दस परसेंट वन पॉइंट वन जीरो पावर टू कर दू हाँ फोर्टी टू को जो पैसा आएगा उसको दो साल के लिए लगा दूंगा

क्या एक भी पैसा जो मैंने प्रोजेक्ट में लगाया है, क्या एक भी पैसा घर ले गया हूं नहीं पूरा की पूरा रि इन्वेस्टमेंट किया बताओ तीन साल में थर्ड ईयर में टोटल मिलाकर कितना जमा हो गया वन ट्वेंटी ये कब का पैसा है तीन साल बाद का। का। इसका प्रेजेंट वैल्यू कर सकते हो कि पूरे का डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो माइनस एक, दो, तीन, एक लग, वही सर, टाइम पास क्यों करवा बस एक बात मैं ये ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बीच में जो पैसा आता है ना उसको हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं यही एनपीवी का भी एज्शन है वही आईआरआर का अब आर की बात करो आई आर आर कितना निकाला आपने फोर्टीन पॉइंट सेवन अच्छा एक बात बताऊ आज कितना लगा रहा हूं मैं एक लाख कितना रहा है? 114। अब सुना से आई आर आर के हिसाब से आपने निकाला है फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट और मैं बस ये चेक करना चाहता हूं कि आप सही हो कि गलत बस सर ये गलत है हाँ एक्चुअल ही गलत है आई गलत है टेक्निक ही गलत है आप सही हो आपने तो वो किया जो आपको बताया गया लेकिन टेक्निकली आई गलत है आप सुनना आपने क्या एजेंशन दिया तो नोट कर लो यार नोट कर लो नहीं तो फिर ना मुझे जरूरत पड़ेगी आज कितना लगा रहे है एक लाख पहले साल आएगा फोर्टी टू थाउजेंड सेकेंड ईयर आएगा सेकेंड ईयर आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और थर्ड ईयर कितना आ रहा है फोर्टी फोर ओके सर अब इसको री करेंगे कितना फोर्टी टू थाउजेंड किस रेट पर री तो इन्वेस्टमेंट किस रेट पे करोगे जो मार्केट में चल रहा है तो मार्केट में क्या चल रहा है आई आर का कहना नहीं ऐसे नहीं होगा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेट पे गलत है टोटल उस रेट पे मतलब कैसे यार जो मार्केट में चल रहा है उसी रेट पे तो आप रीइन्वेस्टमेंट करोगे फोर्टी टू थाउजेंड को आप कैसे कर सकते हो फोर्टीन पॉइंट सेवन वन पर फिर भी आई आर आर जो कह रहा है उसके हिसाब से हम काम कर रहे करो एक बार यहाँ क्या जाएगा वन पॉइंट वन सेवन वन फोर सेवन वन पावर टू इतना आता है आपको फाइव फाइव टू सिक्स फाइव इसको भी इन्वेस्टमेंट नि करते फोर्टी फाइव थाउजेंड वन पॉइंट वन फोर सेवन वन फाइव जीरो, टोटल करो वन फाइव फाइव ठीक है यहां तक अब यार आपने लगाया कितना था एक लाख तीसरे साल में कितना जमा हो जाए वन फाइव जीरो एट एट फाइव अब सुनना ध्यान से इसका मतलब यार हमारी कमाई अगर आप कह रहे हो कि हमारी कमाई हो रही है हर साल की फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट अगर एक लाख रुपए का मैं बैंक में जमा करूं और मुझे मिल रहा है हर साल फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट तो बताओ तीन साल में कितना हो जाएगा निकल सकता है आप ऐसे करो एक लाख प्लस फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट ये कब आया पहले साल प्लस फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट ये कब आ गया दूसरे साल प्लस फोर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट क्या आंसर इसी के लगभग आ गया लगभग यही आया होगा थोड़ा बहुत चल जाएगा इसका मतलब बोलो हर साल आप कितना कमा रहे हैं फोर्टीन आईआरआर भी यही बोल रहा है ये जो निकाला है ना आप क्या ये जो निकाला ये यही बोल रहा है कि बीच में जो कैश फ्लो आता है वो किसके हिसाब से री होगा जो निकाला उसी के हिसाब से जबकि गलत है ओके okay. यहां तक लिख लिया है ना ये वाला भी लिखो ये सर ये क्वेश्चन नहीं दिया तो आप पढ़ा ही क्यों हो रहे हो मेरी ड्यूटी मैं पूरा कर रहा हूँ ये आर के ये भी टेबल बन डायग्राम बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आज कितना पैसा लगा रहा हो एक लाख तीन साल बाद कितना आएगा वन फाइव जीरो एट एट फाइव क्या रेट निकाल सकते हो और क्या रेट फोर्टीन पॉइंट सेवन वन आएगा चेक करो ये तो फोर्टीन पॉइंट सेवन वन के आसपास भी चलेगा थोड़ा सा हाँ देख लो डी पावर फोर्टीन पॉइंट इतना ही आएगा फोर्टीन पॉइंट सेवन वन के आसपास हाँ फोर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन के आसपास इसका मतलब हो गया आई आर आर मैथड क्या एज्यूम करता है कि जो इंटरमीडियरी कैश फ्लो है वो किस रेट पर रे इन्वेस्टमेंट होता है आई आर आर रेट पर बट एक्चुअल में कभी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इस रेट पर रे इन्वेस्टमेंट नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में किस पे रे इन्वेस्टमेंट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है तो वही मैं लिखवा रहा हूँ पहले इट मीन्स उनके जो एक एजिम्सन लेकर काम करता है याद रखना ये शब्द लिखना है आपको बहुत सारे क्वेश्चन में री इन्वेस्टमेंट यहां से हमको ये सीखने को मिला कि आयर आर मेथड एज्यूम करता है दैट इंटरमीडियरी कैश फ्लोस आर री इन्वेस्टेड एट आयर बट इन रियल लाइफ Such cash flows are reinvested at cost of capital. Hence, introduced. मॉडिफाइड आई अब मॉडिफाइड आई में क्या करना सुनो मॉडिफाइड आई कैसे निकलेगा ये जो कैश फ्लो है इसको किस रेट पे इन्वेस्ट करोगे देखो करना क्या कुछ नहीं सिंपल है पैसा कितना लगा रहे हो एक लाख ये ये आ आ रहा रहा आ रहा इसको इस रेट पे री इन्वेस्ट ना करके किस रेट पे करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस परसेंट और यहाँ पैसे जमा कर देना और ये लिखना वन प्लस आर जो भी पावर है वो लगा देना ये लास्ट का आपको मालूम है तो उससे क्या निकल जाएगा आर पर वो आर का नाम क्या रह जाएगा मॉडिफाइड आयर बस और कुछ नहीं ठीक है तो इसको किस रेट पे री रे करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो तो किया है तो लॉटरी लग गई हमारी तो अब क्या कर रहा है अब इसी क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं मॉडिफाइड आई कैसे निकालोगे ये हमको मालूम है एक एग्जाम्पल और दूंगा जिसपे आप बना लोगे ऐसा नहीं ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था एक लाख और लास्ट में कितना आ रहा है वन फोर फोर थ्री टू जीरो चलो कैलकुलेट कर, करते हैं मॉडिफाइड आई आर आर मॉडिफाइड आई प्लीज करके चले जाना आईसीए ने डाला है स्पेशल बोलो कितना एक लाख वन प्लस आर पावर थ्री लास्ट में कितना आ रहा है हमारा एक चवालीस तीन सौ बीस आर इज इक्वल टू तो अब नहीं आएगा फोर्टीन पॉइंट सेवन अब कुछ और आया दस भी नहीं आएगा दस भी नहीं आएगा दस तो एनबी भी दस परसेंट पे तो हमारा बच रहा था ना पैसा अब कुछ और आएगा थर्टीन परसेंट हाँ हाँ हम गलत कैसे हो सकते हैं थर्टीन परसेंट रेडी पावर नहीं आता है आगे आ आगे, 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 आगे ना ठीक है अब कॉन्सेप्ट अपनी जगह एग्जांपल अपनी जगह और आप मुझे आंसर बता रहे हो फाइनली मॉडिफाई और ये आपका इलेस्ट्रेशन नाइन है और ये आपके आई सी आई ने इंट्रोड्यूस किया पेज नंबर सेवन पॉइंट फोर फोर और क्योंकि एक ही एग्जांपल है इसका प्लीज़ देखकर चले जाना इसको भूल जाओगे एन याद रहेगा सब याद रहेगा ये भूल जाओगे पक्का और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आंसर और बुक का आंसर सही आ जाए कॉस्ट ऑफ मशीन एक छत्तीस एक दो तीन चार पांच रि का देख लेना आप है ना आई आर आर नहीं निकालना मॉडिफाइड आई आर वो आप डिसाइड करो कि आई आर आर निकालना है कि नहीं निकालना तीस हजार चालीस हजार साठ हजार तीस हजार और बीस हजार और जिस पे करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है आठ परसेंट आठ परसेंट पर आपको री इन्वेस्टमेंट करना मॉडिफाइड आई आर आपको निकालना बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें तो नाइन परसेंट नाइन परसेंट के आसपास मतलब तीस हजार चालीस हजार साठ हजार तीस हजार बीस हजार सही तो है यार मेरा तो मैं देख रहा मुझसे गलत हो गया होगा ना तो आप छोड़ोगे ना हाँ नाइन परसेंट के आसपास

एक लाख ले लिया था क्या कॉस्ट ऑफ मशीन चल जाएगा मुझे बताओ ये सब समझ में आता फ्यूचर वैल्यू सिंपल है देखो तो ये वाला तो जीरो पीरियड में मतलब ये तो पांचवे साल का है यहां से स्टार्ट करते तो वन पॉइंट जीरो एट ये लिख दिया है ना वन पॉइंट जीरो एट इंटू इक्वल टू करोगे तो ये आ गया इक्वल टू करोगे तो ये आ गया इक्वल टू करोगे तो ये आ गया तो मल्टीप्लाई की आंसर शॉर्टकट फिर आप देख लेना आपके पास आप लोग एक्सपर्ट हो तो मॉडिफाइड आई कितना आया नाइन पॉइंट एट सिक्स वैसे यार सुनो लिख कर करना पड़ेगा तो सभी का आंसर एक जैसा आएगा अगर मैं कहूंगा कि आपको तीन डिजिट लिखना है या चार लिखना है फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर सबका आंसर एक जैसा आएगा हाँ पूरा लिया होगा आपने इसी वजह तो नाइन परसेंट के आसपास मैंने पहले ही कहा कि मॉडिफाइड आई आर आएगा नाइन परसेंट के आसपास। <coughs> तो आई आर आर सही मेथड है कि गलत हाँ अगर हम दे, रियल लाइफ की बात करें तो आप बीच में जो कैश इन्फ्लो है ना उनको कभी भी आप आई आर आर पे री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते <coughs> एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ सर ये जो क्वेश्चन है हमारे मॉडल में एक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन अच्छा धान से बताना कोई तो ऐसे ही पूछ रहा हूं ये वाला क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन निकालिए थर्टी सेवन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दो तो, प्रपोजल है प्रोजेक्ट पी और प्रोजेक्ट जी पैसा कितना लग रहा है चालीस हजार और इसमें कितना लग रहा है बीस साल इसमें पैसा कितने साल तक आ रहा है छः और, और इसमें कितने साल तीन साल तो यार अगर मैं कहूँ कि इन दोनों प्रोजेक्ट में कंपैरिजन का बनता नहीं है उसकी एक दो वजह दिख रही है ये क्या है साइज साइज अलग अलग है इसका कितना है चालीस हजार जा रहा है इसमें कितना जा रहा है बीस हजार लाइफ उधर कुछ और है इधर कुछ और है लाइफ डिस्पैरिटी साइज डिस्पैरिटी सब लिखवाऊंगा ठीक है पहले नंबर पे क्या मांगा है क्या मेरी जरूरत है बनाओ नाओ? दिया हुआ है एंटी, अच्छा रेट है ना यार पंद्रह परसेंट अब वो बोलोगे समझेगा कोई कैसे डिस्काउंटिंग रेट आओ पेन चलाए है ना कैलकुलेटर छोड़ता चला हाँ जी लिखना है भाई चार क्वेश्चन है एक जैसे उसमें से एक क्वेश्चन तो बनाएंगे बाकी होमवर्क डिवाइड वाला आता है कि नहीं आपको अरे का निकाले ऐसा वाला करते हैं इसमें जल्दी होता अच्छा आप तो लिखते नहीं तो क्या फर्क पड़ता डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फाइव पावर टू ठीक है मुझे अगला पेज दिखा नहीं ना <laughs> <laughs> चलो ठीक है कॉन्सेप्चुअल कोई गलत नहीं था पर चलो अब फैक्टर से करते पंद्रह परसेंट का रेट दिया हुआ है और हद तो ये हो गई चार डिजिट दे रखा है चलो लिखो और आंसर बताओ हाँ भाई लिखना पड़ेगा आपको क्या लग रहा पूरा पेपर एमसीक्यूज है क्या <laughs> फिर पर सिर्फ पंद्रह नंबर कितना पंद्रह ही नंबर होता पचास का पंद्रह तीस परसेंट नंबर का एमसीक्यूज आएगा थर्टी नंबर के लिए लिखना तो पड़ेगा हमको सर आप लिखो हम बस देखेंगे पी <laughs> तेरह हजार इन टू पॉइंट एट सिक्स नाइन सिक्स हाँ एट सिक्स अच्छा आप आप लिखिए आप लिखिए हाँ आपको लिखना है और आंसर बताना है ठीक है हमारे साथ समस्या क्या मालूम है जो हमसे क्वेश्चन बनते नहीं उसको करने का दिल नहीं करता और जो बनते उसको भी करने का दिल नहीं करता <laughs>

एट ठीक है चल ठीक है, है। दूसरा <laughs> 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 निकाल पाओगे अयर <laughs> वो कर लोगे कर लोगे कॉन्सेप्ट एनपी में निकाल लिया ना तो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले आई एक आंसर देखकर बताओगे कितना है आई आर एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट करोगे आई आर के हिसाब से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया हाँ ये लिखना पड़ेगा इट मीन सुनो ये आपको आता है ये भी आता है ये वाला पॉइंट नंबर थ्री है ना ये आपको थियोरी लिखना पड़ेगा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है क्यों है तो वजह बताना पड़ेगा एक आपने बताया साइज डिस्पैरिटी साइज अलग अलग है दूसरा टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो वो अलग अलग है और तीसरा लाइफ और चौथा री इन्वेस्टमेंट अगर इतना लिख ले तो लिखवाऊ ना प्लीज चलो तो मैं पॉइंट नंबर कौन सा लिखवा रहा हूँ पी पॉइंट नंबर टू बाद में कर लेना पहला रीजन क्या लिखवाया था मैंने साइज इसपर साइज का मतलब समझ रहे हो कॉस्ट ऑफ मशीन करके ब्रैकेट में लिख देना ठीक कॉस्ट ऑफ मशीन करके लिख देना तो उससे समझ में आ जाएगा आपको बहुत सारी कहानी नहीं लिखना है आठ नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें इसको भी पता लगा दो पैराग्राफ लिख दिया <laughs> दूसरा क्या बोला था टाइम ऑफ फ्लो टाइम डिस्पैरिटी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो वो टाइमिंग तो ऑफ कैश फ्लो हमको बात समझ में नहीं, है। नहीं वो तो लाइफ है एक क्वेश्चन है आपके पास बुक है ना जो बुक चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स दिख रहा है आपको बहुत सावधानी से दिमाग चलाना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स किसी का एनपीवी ज्यादा सी और डी दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट सी का एनपीवी कितना है और डी का वो चेवारे। वो चेवारे। उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट सी करना चाहिए एनपीवी के हिसाब से आई आर आर किसका ज्यादा सवाल है कि IRR D का ज्यादा क्यों आ रहा है अब बारीकियों से देखो पहले साल का कैश फ्लो उसमें कितना है तो अगर देखो दोनों में तो दस दस हजार लग रहा है अब पैसा देखो दो और चार छ और बारह और छह कितना होता है अठारह यार दो हजार चार हजार और इधर कितना है दस तीन और तीन सोलह तो पैसा भी कम आ रहा है पर फिर भी थर्टी सेवन पॉइंट रिटर्न दिख रहा है उसकी वजह क्या है कैश फ्लो और सुनो ज्यादा अगर सुनो ना यार अगर आपके पास आप इनवेस्टमेंट कर रहे हो अगर शुरू में ज्यादा आएगा तो मजा आ जाएगा आपको तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना उस ज्यादा इंटरेस्ट कमाओगे देखो शुरू में किस में ज्यादा आ रहा है सी में आ रहा है कि डी में आ रहा है डी में ज्यादा कैश फ्लो शुरू में ही आ रहा है और बाद में कम कम है जबकि सी में ज्यादा पैसा आ रहा है लेकिन लास्ट में आ रहा है मतलब तो तो समझ में ना मतलब इंपॉर्टेंट क्या टाइमिंग वही चीज मैं आपको यहाँ लिखवाया हूँ कि टाइम डिस्पैरिटी ऑफ कैश लो ऐसा लिख लो कॉन्सेप्ट के चक्कर में ना हाँ जी लिखोगे टाइम टाइम ऑफ कैश लो मतलब टाइम डिस्पैरिटी बोल हाँ तीसरा आप मुझे क्या बता रहे थे लाइफ और चौथा री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट एजेंशन री इन्वेस्टमेंट रेट एजेंशन आई आर आर में री इन्वेस्टमेंट रेट जो ले रखा है वो गलत ले रखा इतना लिख दो हर क्वेश्चन में बस इतना लिख दो कॉन्फ्लिक्ट पूछेगा सफिशियंट ठीक है अब अब लास्ट क्या मांगा है उसने जरा बोलो भाई अब यार आप मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट करना तो पड़ेगा डिसीजन लेना तो पड़ेगा तो किस को क्या मांगे आई आर आर को फोकस करे कि एनपीवी को फोकस करें कभी भी डिसीजन एनपीवी के ही बेसिस पर देना चाहे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप किसके बेसिस पे दोगे एनपीवी पर एनपीवी पे ध्यान रखना कि ये कितने साल का है छ और ये कितना साल का है तीन तो आपको कौन सा एनपीवी निकालना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा एनपीवी भाई लाइफ अलग अलग है ना तो एक और उसके बेसिस पे आप काम कर लोगे बस इस क्वेश्चन में इतना ही तो जो मेन मुद्दे की बात थी मेरे ख्याल से दो पॉइंट तो आप इजीली कर लेते पहला और दूसरा और ये वाला भी कर ही लेते हैं एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देना तो आपको भी मालूम है ये छह साल है और ये तीन साल है इसी में दिक्कत होती वो मैंने लिखवा दी सर और इसमें होमवर्क होमवर्क रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी सिक्स और थर्टी एट कॉन्फ्लिक्ट बोलेगा रीजन बोलेगा कि दोनों में अंतर क्या वो चार रीजन लिखकर कर आना तो समझ के लेकिन है ना कल तो चेक करूंगा दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दस हजार दस हजार है और आप लिख रहे हो साइज डिस्पैरिटी हाँ इतना तो समझ, समझ के लिखना 5374 डिवाइड कर देना पीवीएफ से यहाँ छह साल का पीवीएफ से डिवाइड करना यहाँ तीन साल के पीवीएफ से डिवाइड करना हाँ मेरे ख्याल से आंसर में दिया होगा 1420 1667 ठीक क्लास ओवर करने वाला हूँ पर एक क्वेश्चन छोड़ के वर्क। मेरे पास एक लाख रुपए हैं प्रोजेक्ट है ए बी सी डी इसमें लग रहा है सत्तर हजार रुपये इसमें साठ हजार रुपये इसमें पचास हजार रुपये इसमें लग रहा है अस्सी हजार रुपए एनपीवी आ रहा है इसमें बारह हज़ार पच्चीस हजार अठारह हज़ार पंद्रह हज़ार कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए ये क्या है कॉस्ट और ये क्या है एनपीवी कौन सा प्रोजेक्ट करें? मैंने ये नहीं बोला कि इनमें से कौन सा एक करे मेरा कौन कौन सा कर सकते सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है पैसा तो सब करो ना यार तो कौन सा करे सब करो पर पैसे एक लाख है बस एक लाख से ज्यादा नहीं है एक लाख रुपए खर्च करना और एक लाख रुपए से कम खर्च आप कर नहीं सकते पूरा एक लाख ही करना नहीं पैसे ही नहीं है ना यार कौन देगा एक लाख ही करना कम भी नहीं करना सर बीस किसी को दे दो ना यार ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट डी में थोड़ा सा डाल देते डी में अस्सी डाल देते हैं और ये आधा प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं हम निकाल लेंगे हम एनपी वी इंडेक्स इंडेक्स रैंक निकाल लेंगे पीआई पीआई के हिसाब से हम रैंक निकाल लेंगे बहुत सारे तरीके चलो रैंक निकल गया और रैंक के हिसाब से ये आ गया कि इसमें पैसा पर इसमें तो अस्सी लगा सकते हैं पर बच्चा बीस आपने को खर्च कितना करना है एक लाख आपके पास बचा कितना बीस अब बीस किसमें निकाल लगाएंगे किसी में भी क्या पूरा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो नहीं क्योंकि सब में पैसा लग रहा है क्या आधा कर सकते हो आधा प्रोजेक्ट <laughs> आधी मशीन <laughs> <नहीं>। <laughs> ये कहीं और का मतलब ही तो नहीं पूछता <laughs> कर सकते हो और नहीं भी कर सकते इट मीन्स इंस्टीट्यूट ने दो प्रोजेक्ट या तो डिविजिबल हो सकते या तो इनडिविजिबल हो सकते इस टॉपिक का नाम है कैपिटल राशनिंग जो मैं आपको करवाने वाला हूँ राशन की शॉप राशन शॉप पैसा सुना है क्या हाँ तो फिर नहीं आगे कल मैं करवाऊंगा इसमें सर कैसे करोगे पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कर सकते हैं और दोस्त को साथ में ले लो भैया आप लगा दो अगर बीस चलो इसमें लगाते तो बीस मेरा लग रहा है और आपका कितना लगेगा चालीस चलो जो कमाएंगे इसमें मेरा कितना हिस्सा हिस्से में बांट देंगे ठीक है और दूसरा है कि कोई साथ नहीं दे रहा तो फिर आपको वो सोचना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सा ले ये या ये, ये ले वो द, कल वो टॉपिक होगा हमारा छोटा सा एक ही क्वेश्चन है वो तो सिंपल है जो टाइम लगेगा वो रिवीजन में टाइम लगेगा सीरियसली वो लगेगा रिफ्लेशमेंट और बेसिक जो कर रखे हैं ना वो इतना ज्यादा कर चुके हैं कि आपको अब वो याद ऑटोमेटिक आ जाएगा एनपीवी कैसे हैं तो कल 11 बजे मिलते हैं होमवर्क दो क्वेश्चन है ज्यादा है क्या ठीक है इसमें भी मैं देख लेता हूं कुछ बचा तो नहीं है सब खत्म कर देते हैं हम लोग एक क्वेश्चन बड़ा वाला बच्चा है बस चलो तो एक टॉपिक बचा था एक किया बेसिक्स रिप्लेसमेंट थर्ड कैपिटल राष्ट्रीय फंड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई या लिमिटेड फंड And more than one project having positive NPV are अवेलेबल ओके तो लास्ट टॉपिक होगा कैपिटल बिस्टिंग का दो क्वेश्चन है उसके दो क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं एक आध बड़ा सा क्वेश्चन पर उसके लिए किसी और टॉपिक इन्वॉल्व है उसमें तो मैं बता दूंगा एक टॉपिक क्वेश्चन दो क्वेश्चन है जिसको कहीं कर कहीं और कर उसके बाद ब्रेक लेंगे उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार खुद से रिवीजन करना कैपिटल मैं तो करवा दूंगा पर खुद से रिवीजन करने का जो मजे ना जब रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा तो सब एक साथ बोलना कि सर हम तैयार हैं तो फिर टेस्ट होगा एमसीक्यूस का मैं आपको वो दे देता हूँ खुद से सॉल्व करना जो डाउट्स क्योंकि भाई पंद्रह नंबर मायने रखता पर वो सॉफ्ट कॉपी ही मिल पाएगी देखिए तो करना और एमसीक्यूस ऐसे है कि उसको रट्टा थोड़ी न माना कि दोबारा चलो एम सी क्यू उसका रिविजन करेंगे पागल थोड़ी न हो गया कि एम सी कोई रिविजन नहीं करता ठीक तो ये टॉपिक चल रहा था आपका कैपिटल राशन कल तो जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि सर हमारे पास पैसे बहुत कम है हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका एन पी वी पॉजिटिव है वैसे तो अगर पैसे हैं तो भैया सबके सब प्रोजेक्ट कर लीजिए पर पैसे बहुत कम हैं तो हमें इस जो पैसे जो फंड है उसको इस तरह से एलोकेट करना है कि हमको मैक्सिमम फायदा हो उस टेक्निक का नाम क्या है कैपिटल तो देख लीजिएव Allocate such fund in a manner. ऑल एनपीवी शुड बी मैक्सिम सच एलोकेशन टेक्निक is called capital okay. अब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दो टाइप के हो और उस हिसाब को आपको डिसीजन इट मींस या तो प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हो सकते या तो तो लिखो ये यहीं ख़त्म कर देना उसके बाद ये पॉइंट नंबर वन हो गए इस तरह से लिखो लिखोगे पॉइंट नंबर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट दो टाइप हो गए तो इसे थियोरी आती है क्या सवाल ही पर पहला कौन सा टाइप हो गया था इसमें डिविजी और दूसरा होगा डिविजिबल का मतलब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट can be accepted. ठीक आधा प्रोजेक्ट भी कर सकते और यहां क्या हो जाएगा पार्ट ऑफजेक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड सर इसमें सेलेक्शन कैसे करें कैलकुलेट पी आई पी आई समझते हैं फॉर्मूला क्या है पी आई निकालेंगे और कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कहलाएगा जिसका पी आई ज्यादा है कि जिसका पी आई कम है ज़्यादा है ना कैलकुलेट पी आई एंड रैंक इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पी आई और रैंक कैसे आएगा हायर टू लोअर सर ये क्वेश्चन आते हैं कि बहुत कम चांस बहुत ही कम एक आध बार एग्जाम ठीक है फिर ये मैं समझा दूंगा कि इसके बाद कैसे करना और यहाँ क्या करना क्या पार्ट और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या नहीं तो यहाँ यूज करोगे ट्रायल एंड एरर मेथड और वो कैसे होगा कॉम्बिनेशन बनाओ चलो बहुत टाइम पास हो गए काम करते ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 2019 को कितने नंबर का है पाँच नंबर तो आपके पास एफएम की बुक होगी वो आप ओपन करोगे और उसमें पेज नंबर तो लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर 54 कितने रुपए भाई आपके पास एक लाख रुपया खर्चा करना है और चार प्रोजेक्ट हैं और चारों का एनपीवी पॉजिटिव है यू आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न फ्रॉम अ पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट इफ प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट हम इंडिपेंडेंट ही मानते हैं मतलब एक खरीदेंगे तो ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं खरीद सकते वो भी कर सकते और ये क्या है डिविजिबल और दूसरा क्या है नॉट डिविजिबल हम आधा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते चलो पैसा लगाओ एक लाख एनपीवी सबसे ज्यादा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप एक लाख से कम नहीं लगा सकते लगा सकते पर एक लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते कौन सा करोगे भी कर सकते हो बस एक लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर डी में पूरा एक लाख लगाओ फायदा कितना होगा थर्टी फाइव एक लाख और भी तो लगा सकते हो ना कॉम्बिनेशन चाहिए साठ और, साट और चालीस ये भी लगा सकते हो एन भी कितना आएगा थर्टी एट और दूसरा चालीस और पचास भी कर सकते हो ओ ये तो और बढ़ा मचाया आगे नहीं पार्ट में कर ही नहीं सकते ना भाई मैं इसकी बात करूं नॉट डिविजिबल एक देखो एक कॉम्बिनेशन बन रहा पूरा की पूरा एक लाख लगाओ 35 कमाओ अब एक दूसरा यार चलो इसको तो छोड़ी दो क्योंकि इसमें डालोगे तो खेल खत्म है दूसरा क्या बन सकता है साठ और 40 एक लाख खर्चा एनपीवी कितना आएगा 38 इसके पीछे और एक हो गया ना 40 और 50 दस बचा बचने दो एनपीवी कितना यार इसमें तो 90 लगा के 44 आ रहा और कोई नहीं बचा सकते हैं हाँ जी वो बताएगा कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते तो कौन सा अच्छा है खत्म बस यही तो था ये किसकी बात हो रही है नॉट एडी पॉइंट नंबर वन करते सर ये तो वाकई टाइम पास है मजाक समझ रहे तो पहली बात तो पहला काम है भाई साहब कि पीआई निकाल रहे हैं निकाले पीआई मतलब पहला आप क्या ले रहे हैं डीवीसी पर और पहला काम है यही निकाल कैलकुलेशन ऑफ यही पी का क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो मेरे पी वी सी आई डिवाइडेड बाई एफ मुझे पी आई चाहिए मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बना कर लिखना भी स्टार्ट करती है ना भाई बीस चालीस हजार प्लस बीस हजार डिवाइडेड बाय चालीस हजार कितना आ गया 1.5 क्या ये आपको आता था पहले से हाँ पहले भी कर चुका था मैंने ऐसा शॉर्टकट ओके सर वन लैख प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लैख वन पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट फोर एट और वन पॉइंट थ्री जीरो रैंक दे दो जल्दी से अगर करना रहा तो किसको सबसे पहले ये ए ये उसके बाद एक और लास्ट में पैसे बचे तो जो कि बचेगा नहीं अब जानते इतना करने से काम ने आपको एनपीवी भी निकालना पड़े तो निकालते हैं ओवरऑल एनपीवी यहां तक हो गया देखोगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एन सर ये पांच नंबर का क्वेश्चन दिया है इंस्टिट्यूट ओवरऑल एन पहले प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा ठीक है सर नाम फिर क्या आ जाएगा फिर आ जाएगा अमाउंट ना लगा रहे हो परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस और फिर एन पी यहाँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो यहाँ इतना पैसा लगा रहे हो क्या पूरा की पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हो परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ एन कितना खर्च कर सकते हो आप आप एक लाख से ज़्यादा खर्च नहीं। सबसे पहले कौन सा करने का डिसाइड किया रैंक वन किसका है कितना पैसा लग रहा है उसमें तो चालीस हजार खर्च हो गया तो सर ये पूरा की पूरा हमने एक्सेप्ट किया था यस हंड्रेड परसेंट तो एनपी भी पूरा हमारा तीस हजार बीस हजार ओके दूसरा कौन सा ई फिफ्टी थाउजेंड अब हमारे पास तो है पचास हज़ार तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया हम लोग एन पी कितना आ गया ट्वेंटी फोर बचा कितना दस दस किस में लगा डी डी दस हज़ार और प्रोजेक्ट था कितने का एक लाख तो कितना परसेंट एक्सेप्ट किया सिर्फ दस परसेंट लिख लेना दस परसेंट कहाँ से आ एक लाख में से सिर्फ दस हजार ही लगाया उस प्रोजेक्ट में मतलब टेन परसेंट ठीक है इसका मतलब एनपीवी भी पूरा नहीं हुआ है हमारा एनपीवी टोटल कितना था इस प्रोजेक्ट थर्टी फाइव थाउजेंड का दस परसेंट हमारा थर्टी फाइव हंड्रेड सर ये एमसीक्यूज़ में पक्का अगर आप होते तो मैं तो पक्का डालता तो बताओ कितना आ गया One, five. क्या क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं अभी क्या हुआ था पर, अब क्या करेंगे नॉट डिविज हो गए तो पहले डिविजिबल हो गए अब नॉट डी इसमें तो कॉम्बिनेशन ही बनाना है कॉम्बिनेशन वन इसमें सोचना ही नहीं है भाई आपको कॉम्बिनेशन ही बनाना पड़े पहला क्या था हंड्रेड परसेंट इन एक तो कॉम्बिनेशन बन गया पूरा की पूरा पैसा बस तो ठीक है सर हंड्रेड परसेंट इन डी एन भी कितना आएगा E5. या रुपीज वन लैख इन डी ऐसा कर दोगे तो भी चले हंड्रेड परसेंट लिखोगे तो आपको लगेगा किसी में फिफ्टी परसेंट भी लगा सकते दूसरा कॉम्बिनेशन टू चलो बोलो क्या क्या बोला रुपीस फोर्टी थाउजेंड इन सी एन सिक्सटी थाउजेंड इन एफ एन पी भी जोड़ दो तीस और अठारह थर्टी एट और एक कॉम्बिनेशन बनेगा फोर्टी थाउजेंड एनसी फिफ्टी थाउजेंड मतलब फोर्टी एस yes. He should invest in project B. आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, आते नहीं है और सर बुरा से बुरा क्या होगा छः, सात प्रोजेक्ट दे देगा चलो बनाओ कॉम्बिनेशन और क्या होगा पर इतना बुरा आज तक हुआ नहीं तो आपके साथ होगा ऐसा सोचना भी ठीक अब एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके मॉड्यूल में डाल के रखा और वो क्वेश्चन है ये वाला छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप अपनी फाइने एफ एम का मॉड्यूल देखोगे तो उसमें टी वाई के फोर है पेज नंबर सेवन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होगा ठीक खत। है इसके बाद हमारा कैपिटल लिस्टिंग खत्म होगा मैं बताऊंगा उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचा है किसको कहाँ करने वाला है वो तो मैं वीडियो दूंगा वो तो रटने वाला है तो वो तो वीडियो देख के रट आप पढ़ोगे में पढ़ू बोले तीन इन्वेस्टमेंट सिचुएशन है या तो आप कुछ प्रोड्यूस कीजिए न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्केट्स या फिर एक्सपेंड कीजिए एग्जिस्टिंग एक मतलब पॉइंट नंबर टू या तो थ्री में क्या कर दीजिए डेवलप कीजिए न्यू लाइन ऑफ कुकर्स तीन अलग अलग प्रपोजल है हमें नाम में कुछ नहीं रखा वन टू इतना बड़ा नाम लिखेंगे फिर इफ ओनली द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन द एक्स अगर हम सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट करते हैं अगर सिर्फ ये वाला करते हैं अगर थर्ड वाला करते हैं तो कितना कितना पैसा लगेगा और ये क्या लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी वी सी आई दिया पी वी सी आई दिया एन पी वी निकाल सकते हो क्या अगर सिर्फ मैं प्रोजेक्ट वन में करूं तो

और आएगा कितना ठीक है सिंपल है उसमें भी देखेंगे अगर दोनों में करें तो एनपी भी कितना आ रहा है एक है ना यार इतना पैसा जा रहा है इतना आ रहा है हालांकि एक बात बताऊं कि अगर हम दो प्रोजेक्ट में करते हैं तो शायद हमारा जो खर्च है वो कम भी हो सकता है जैसे मटेरियल बुलवा रहे हैं दो बिल्डिंग बनवा रहे हैं एक बनाते तो खर्च जितना आता अलग अलग बनाते तो इसमें दस लाख उसमें पंद्रह लाख पर दोनों को एक साथ बनवाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि दस और पंद्रह पच्चीस आएगा कम भी तो हो सकता है कुछ मटेरियल वगैरह तो ये कुछ हो सकता है उसको बोलते इकोनॉमिक्स अब पढ़ते हैं अगर वन एंड टू को हम एक साथ करते हैं तो क्या किसी चीज का फायदा है क्या नहीं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा बोले सिंपली करना इन दोनों को ऐड कर देना और आप सिंपली ही कर रहे थे आपने ज्यादा दिमाग चलाया भी ठीक है सर आप सुना अगर हम प्रोजेक्ट वन एंड थ्री करते हैं तो वन एंड थ्री अगर आप बताओ कितना लगता आपके हिसाब से दो लाख और दो सत्तर कितना लगता चार सत्तर बोले नहीं अगर वन एंड थ्री करते तो इकोनॉमी आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ द प्रोजेक्ट और बोले कितना लगता बोले टोटल इन्वेस्टमेंट वन एंड थ्री का कितना लगता चार लाख चालीस हजार जबकि आपके हिसाब से कितना आ रहा था सकतर। चार सत्तर तो कितने का फायदा दिख रहा है सर का फायदा okay. तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है यार देखो आपके हिसाब से आप सोचो कॉम्बिनेशन ये तो वन टू थ्री अलग अलग हुँ. या फिर क्या हो सकता था वन टू टू थ्री और वन थ्री तो इसने शायद वन टू की बात कर लिया था इसके नीचे के वन और थ्री की भी बात किया तो बचा क्या टू थ्री बस अगर टू और थ्री के साथ साथ करते हैं तो बोले मार्केटिंग वगैरह प्रोड्यूसिंग वगैरह में हमको फायदा हो जाएगा तो बोले आउटफ्लो में कुछ बचत नहीं होगी लेकिन इनफ्लो ज्यादा आ सकता है और क्या बोल रहा है दोनों मिलाकर करें तो कितना आ जाएगा छह बीस जब किसको देखो दो नब्बे और चार अच्छा एक पचासी और चार पाँच पचासी आना चाहिए था पर आ कितना आ रहा एक फायदा ठीक सर तीनों एक साथ नहीं कर सकते पैसों की कोई कमी नहीं है पैसे का कोई लिमिटेशन वाली बात नहीं बोले जान लो अगर सबको एक साथ करो तो क्या इकोनॉमी नोटेड विल नोटेडवेलिस्ट बोले इकोनॉमी तो रहेगा जो फायदा है वो तो होगा साथ में एक लाख पच्चीस हजार क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट करे तो मशीन भी तो रखने के लिए जगह चाहिए तो बोले एक लाख पच्चीस हजार लगेगा हमको एक्स्ट्रा तो बताइए एनपीवी किस में ज्यादा आएगा तो चलो कॉम्बिनेशन बोलो क्या क्या आएगा ए बी सी या थ्री टू थ्री चलो बनाते हैं क्या लिखना है एनपी निकालना है हर एक सीनारियों में तो क्वेश्चन क्या है कुछ नहीं है क्या कैलकुलेटर लगेगा हम डिस्काउंटिंग करते जा रहे हैं जरूरत भी नहीं है बिल्कुल सिंपल देखने में बड़ा था आ, तीन कॉलम बनाएंगे कौन कौन सा पहले तो प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा ठीक है पहला पैसा कितना लग रहा है पैसा कितना आ रहा है और एनपी मतलब टोटल मिलाकर चार कॉलम हाँ जी ऐसा लग रहा है पहले क्या जाएगा प्रोजेक्ट कौन कौन सा यहाँ क्या जाएगा प्रोजेक्ट यहाँ क्या जाएगा इन्वेस्टमेंट यहां क्या आ जाएगा पीवीसीआई और यहां क्या जाएगा एनपी सबसे पहले स्टार्ट करें प्रोजेक्ट ए? ए ए नहीं वन वन बताओ कितना इन्वेस्टमेंट दो लाख कितना आएगा दो लाख नब्बे हजार फिर भी कितना आ गया बड़ा आसान हो गया है टू एक लाख पंद्रह हजार एक लाख बस्सी हजार सत्रह हजार 2 लक्स, 2000, 4 लक्स, अब 1 एंड 2 कर ले, दोनों को जोड़ नहीं है ना, यहाँ जोड़कर दिखाऊँ या चल जाएगा? बच्चे भाई, मैं आपको ऐड करके दिखाऊं आपके नहीं। लिए, कितना? पंद्रह एक एनपी में एक साठ आगे बोलो पहले क्या लिखा है वन एंड थ्री कितना लगेगा प्यार से है ना पहले मुझे वन का बताओ कितना लगा है और टू का वो सब लेकिन मेरा फायदा है कितने का फायदा है तीस हजार इसको माइनस तीस हजार कर दूं क्या कितना लगा है टोटल हम चार चालीस एक साथ नहीं लिख सकते कि लिख सकते हो पर मुझे उतना आइडिया नहीं था तो मैं बहुत प्यार से कर रहा हूँ दो लाख दो सत्तर बीस हजार का फायदा है तो चार चालीस अब सीधा चार चालीस भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं हाँ यहाँ कितना आ गया छह लाख नब्बे ठीक है अब दूसरा क्या बोला था टू एंड थ्री कितना लग रहा है थ्री लैख एट आया कितना चे. पाँच पच्चीस कैसे आया ये बताओ कितना कितना फोर लेख प्लस वन एटी फाइव माइनस छह बीस करो पैंतीस हजार है टोटल मिलाकर कितना आ रहा है छः लाख बीस हजार क्या टाइम पास कर रहे हो आप छह बीस लिख लेते तो क्या दिक्कत अब मैं समझा रहा हूँ भाई अभी मुझे ना ब्रेक अभी दे दूंगा अच्छा नहीं लगेगा दस मिनट में ब्रेक हो गया इसलिए मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अच्छी कितना <laughs> आ गया ठीक है एंड द लास्ट वन टू एंड थ्री कितना लग रहा है नहीं यहाँ एक पच्चीस और लग रहा है याद करो देखो तो, मैं बता रहा हूँ दो लाख ये प्लस एक लाख पंद्रह हजार ये दो सत्तर ये माइनस तीस हजार ये और प्लस एक लाख पच्चीस हजार ये ये वाला ना शब्द देखो इकोनॉमी इज स्टिल होल्ड लिखा तो सर ये टाइम पास नहीं था ना कभी भी नहीं था वो टाइम पास भी yes. नहीं है yes. Yes. ये तीस हजार मैंने जान बुझ कर यहाँ निकाल के रखा था मुझे मालूम है जरूरत पड़ेगी और ये पैंतीस की भी जरूरत पड़ेगी तो ये गद्दारी है एक लाख पचास हजार एक लाख पंद्रह हजार है, है ना ठीक इधर पैसा कितना आया यहाँ दो नब्बे वन एटी फाइव और कितना चार लाख दस पैंतीस कितना है कौन सा One प्रोजेक्ट करना चाहिए वन वन एंड थ्री में पैसा लगाना है बिकॉज ऑफ हाइस्ट एक बस लिख दीजिए इतना ही क्वेश्चन था पर ये क्वेश्चन अगर आप देखकर नहीं गए हो या किसी ने करवाया नहीं है। तो क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने का ही दिल नहीं करेगा कौन पढ़े कौन करे छोड़ो ना यार तो लिख दो प्रोजेक्ट वन एंड थ्री शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू द हाईएस्ट एंड तो कौन है जो बुक का यूज नहीं करता है हाँ तो सर तो तो सीधा बोल सकते थे। अब देखो अच्छा एक क्वेश्चन और है मैं करवाऊंगा नहीं तो तो सिर्फ डिस्कस करूंगा ये वाला है क्वेश्चन फिफ्टी सेवन पे आओ क्वेश्चन हो गया है क्या इस टाइप का हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले नंबर पे पे बैक पीरियडिंग दस हजार नहीं मैं करवाऊंगा वैसे भी नहीं इसको बस एक बार देख रहा हूँ दो और दो चार और छह बोलो कितने साल में आएगा तीन, तीन साल कितना लग रहा है दो हजार बोलो पे बैक पीरियड दो साल और दस हजार लग रहा है तो तीन साल तीन तो पहला वाला तो खत्म, दूसरा अब आप, अगर लिखा कट ऑफ पीरियड मैंने बोला था स्टैंडर्ड टूर्स पीरियड अगर दो साल है तो बताओ कौन सा, करोगे, कौन सा नहीं करोगे एनपीवी निकालना अगर डिस्काउंटिंग रेट कितना है दस परसेंट आराम से निकल जाएगा एनपीवी निकल जाएगा ना पॉइंट नंबर डी बताओ ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीरियड में जो कट ऑफ डेट होती है मतलब जो पे बैक पीरियड होता है टाइम उसके बाद वाले कैश फ्लो को क्या ज्यादा वेट दिया जाता है हाँ, कौन से वाले कैश फ्लो को ज्यादा इंपॉर्टेंस वेट का मतलब इम्पोर्टेंट किसको कट ऑफ डेट के पहले डेट के बाद पहले।, पहले? पहले बाद वाले को तो वैसे ही नहीं देते ठीक है सर कहानी लिख लेंगे अगर दिल करेगा तो ठीक है हाँ अब आ जाओ बुक में अच्छा एक और है क्या इफ अ फर्म यूज अ सिंगल कट ऑफ पीरियड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट इट इज लाइकली टू एक्सेप्ट टू मेनी शॉर्ट लाइफ प्रोजेक्ट टू आर फॉल्स क्या कहना चाहता है से? आपके पढ़ने की कैपेसिटी कैसी सभी के लिए एक ही कट ऑफ पीरियड ले लिया पीरियड भैया दो साल सबके लिए क्या बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि इस वजह से जिसकी लाइफ कम है वो वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकते हैं सही ये है हाँ क्योंकि जिनकी लाइफ ज़्यादा है हो सकता है उसमें पैसा ज़्यादा लगा उसका पे बैक पीरियड आराम से आता हूँ पर सभी के लिए एक रख दिया तो जो दो तीन साल का प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे सर तो ये आप लिख कर पहुंचा दोगे कि व्हाट्सएप कर दोगे कि हमें व्हाट्सएप ठीक आप लिख लेना अच्छा मैं बात कर रहा था आगे एक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स दिख रहा होगा आपको ठीक है और एक क्वेश्चन है फिफ्टी एट छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों दोनों ही क्वेश्चन आपके जो नया मॉड्यूल है ना दोनों क्वेश्चन है तो अगर इसको छोड़ने का मतलब नहीं है सर पहले क्या करते थे छुड़वा देता इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते पहले तो सीरियसली मैं छुड़वाता था लेकिन अभी नहीं छुड़वा सकता रिस्क नहीं लेना तो 56 भी करेंगे पर 56 में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नॉलेज और सेम सिचुएशन है 58 में वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि स्टॉक वगैरह का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा कि स्टॉक का किस तरह से काम करोगे और इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट वगैरह भी दे रखा है ठीक है इक्वल इंस्टॉलमेंट का तो अभी पूछ ले रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है लेकिन अभी जो है ना फिफ्टी और फिफ्टी वर्किंग कैपिटल लिख लो लिख लो लिख लो वर्किंग कैपिटल छोड़ नहीं सकते ए एफ एम मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉरी फाइन ए एफ एम बोलो तो आप एफ एम <laughs> समझ लेना <laughs> ओके इसके पहले और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आ जाइए फिफ्टी टू फिफ्टी टू और फोर्टी सेवन सेम क्वेश्चन है फोर्टी सेवन और फिफ्टी टू इसमें से जो फिफ्टी टू है ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है फोर्टी फिफ्टी टू फिफ्टी टू की बात कर मतलब सर दोनों में से एक क्वेश्चन काट सकते फोर्टी सेवन कट कर दीजिए आप फोर्टी सेवन कट कर दीजिए तो सिंपल सी बात है हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा फिफ्टी टू अब फिफ्टी टू में जो क्वेश्चन बना रखा है यही क्वेश्चन आपका सीए फाइनल में भी है सेम क्वेश्चन सी एफ फाइनल के भी मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और आपको भी दिया हुआ है और गलत दिया उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से गलत है पूरी तरह से तो दो तरीके मतलब उनका प्रेजेंटेशन उनका टेक्निक उनका लॉजिक सब गलत है अब दो तरीके हैं पहला मैं अपने हिसाब से चलवाऊँ क्वेश्चन अपने हिसाब से बनवाऊँ और उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा तो करना कैसे कर पड़ेगा जैसा आई किया और जैसा आई किया वैसा करवाना मतलब रटवाना है और रटवाना है तो यहाँ क्यों रटवाऊँ क्लास क्यों बर्बाद करूं इसका वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ठीक है फिफ्टी टू पर कर लेना भाई कर लेना किसी भी ठीक है सर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या एक क्वेश्चन छूटा जो इनकम्प्लीट था क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इनकम्प्लीट क्वेश्चन है हमारी बुक में तो इसको ऐसे तो नहीं बना सकते तो मेरे पास स्कैनर होगा ही सभी के पास आपके पास नहीं होगा बाकी सबने ले लिया है तो एक दिन हम स्कैनर में कर लेंगे ठीक है फोर्टी थ्री में हमारी बुक में आधा छपा हुआ आधा प्रिंट है फोर्टी थ्री कट कर दीजिए क्योंकि तो बुक से करना नहीं समझ में नहीं आएगा बुक से फोर्टी थ्री कट कर दीजिए इसको हम स्कैन इस और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा एक क्वेश्चन का आंसर बाकी okay. है वो मैं बताऊंगा पक्का आज बता दूंगा जिसमें हमने कैलकुलेशन किया था और हमको लग रहा था हमारे साथ तो फाइनली so ऐसा है कि दो क्वेश्चन जो बचे हुए वो हम वर्किंग कैपिटल चैप्टर के साथ करेंगे एक क्वेश्चन का मैं आपको लेक्चर शेयर कर रहा हूँ आज और एक क्वेश्चन कट करवा दिया तो वो स्कैनर से मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा में ही लिख लो काम आएगा एग्जाम काम आएगा एक काम और करवा देता हूँ ताकि जब कोई क्वेश्चन करवाऊं ना फ्यूचर में तो आपको नॉलेज मैंने बैंक से लोन दिया है लोन अमाउंट याद रखना कि ये बहुत काम आने वाला है नब्बे हजार रुपये का बैंक गया और बैंक से लोन ले लिया तो रेट कितना टेन परसेंट पर एन एम दस प्रतिशत के हिसाब से और सर कितने इंस्टॉलमेंट में चुकाना है टी इक्वल एनुअल तीन में चुकाना है तीन साल में पेमेंट करना है एनुअल लिखा तो आप समझ गए तो मुझे ये बता सकता है कि तीन इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की आएगी बस सिंपल है हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आएगी हर साल में कितना कितना पेमेंट करूं कि तीन साल में, में मेरा लोन खत्म हो जाए और इक्वल होना चाहिए बच्चों वाला काम है आराम से सोचो नाइन्टी थाउजेंड का पेमेंट करना है तीन साल में पेमेंट करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। और थ्री हाँ बिल्कुल सही हो सकता है निकाला कैसे इंटू नाइनटी थाउजेंड और सोचो ना यार आप छोड़ दो कि हमने फाइनेंस या एफएम या फैक्टर वैक्टर पढ़ा होगा नॉर्मल तरीके से भी बता सकते हो ऐसा कुछ नहीं हाँ तीन किस्तों में पेमेंट करना पहला आंसर आया थ्री नाइन नाइन थ्री जीरो दूसरा आंसर थ्री सिक्स फोर वन जीरो ये कैसे आया भाई थर्टी नाइन नाइनटी इंटू नाइनटी थाउजेंड लॉजिक वजह पहले साल बोलो बैंक वाले को दोगे दो कि नहीं पैसा दोगे तो उसपे क्यों इंटरेस्ट लगेगा फिर कंपाउंडिंग कैसी होगा मुझे बस इतना बता दो नब्बे हजार रुपए में से पहले साल बैंक वाले को देखे तो कहेगा भाई ठीक है आप दूसरे साल पूरे नब्बे पे थोड़ी इंटरेस्ट लग जाएगा ये कैसे आया आराम से बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ भूल जाओ फैक्टर <laughs> <दिक्कत> वैक्टर ये दिक्कत <laughs> <laughs> नब्बे हजार पेमेंट करना है तीन सालों में तीस हजार पर इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए कितना थर्टी थ्री थर्टी थ्री पर निकला कैसे थर्टी थ्री अच्छा नाइनटी नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हाँ टाइम दिया पर एक सेकंड बहुत कम होता है। <laughs> कोई है जो बता सकता है चलो तो मैं बता देता हूं। था कैसे निकला? थर्टी <laughs> एट ये कैसे निकला हाँ नौ हजार आ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है थ्री सिक्स वन नाइन हाँ आप भी कर सकते हो आप जरा समझा दो बोलो पैसा कितना देना आज कितना लिया मैंने पहले साल कितना देना है वही तो नहीं मालूम ना यार x x कैसा लगता है तो फिर दूसरे तरीके से x x तो ये कब देना है पहले साल पहले साल, पहले साल के एंड में ये दूसरे सेकेंड और ये तीसरे साल इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन इंटू पॉइंट एट टू सिक्स Into कुछ हो सकता है क्या कॉमन हो जाएगा नब्बे हजार इज इक्वल टू करो टोटल टू पॉइंट फोर एट सिक्स एक्स एक्स इज इक्वल टू नब्बे हजार डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फोर एट सिक्स ये फैक्टर की वजह से मैंने पूरा लिया पूरा लिया था बात समझने की कोशिश करो ये पहले भी निकाला है इसको बोलते थे इक्विवेलेंट एनुअल याद करो वही तो कर रहे थे यार आप नब्बे हजार डिवाइडेड बाई ये अगर आप इतना 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 हर साल दे दोगे ना तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा पूरा लोन भी खत्म हो जाएगा आपको क्या लगता है मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इक्वल इंस्टॉलमेंट आप बैंक जाते हो बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाले से बोलते हो ना कि भाई मंथली किस्त कितना आएगा या गाड़ी खरीदते हो तो किस्त कैसे निकलता है ऐसे तो निकलता है ऐसे ही निकलता है और इसको अगर मैं तीन साल बनाकर कर बताऊँ ना तो आप देखोगे लास्ट में जीरो हो जाएगा बैलेंस ना टाइम नहीं है कि मैं बनाकर बताऊंगा वो सब फाइनल में देखेंगे पर अगर इस तीन साल को लीजिंग में पढ़ रखा है आए परचेस लीजिंग उसमें यही निकालते थे हम लोग अगर मैं यहाँ वन टू थ्री कर दूँ यहाँ लिखूँ तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली पर आपको लीजिंग चैप्टर है नहीं है पहले लीजिंग चैप्टर था फिर इसी इंटर से हटा दिया पहले फाइनल में था फाइनल से हटा के इंटर में डाला इंटर से हटा के ख़त्म ही कर दिया तो खैर हमारे काम का है नहीं है ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पर मैं ये बता रहा हूँ इक्वल इंस्टॉलमेंट ऐसे निकाला जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स में जरूरत पड़ेगी इस बात की फिफ्टी सिक्स में जब फिफ्टी सिक्स करवाऊंगा तो मैं देखूंगा कि आपको याद है कि नहीं ठीक तो सर नोट कर कर लोकर लोकर लो, कर लो, कर लो. क्वेश्चन पूछो कुछ आपके स्टडीमेंट के ऐसी कौन सी कैपिटल वेस्टिंग की टेक्निक है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज किया जाता टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज कैपिटल वेस्टिंग में तो छह मेथड पड़ा है वैसे तो ये कौन सी मेथड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर भी करते होगे शायद कुछ मेथड्स में पहला है पे बैक पीरियड में क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हो पहला है पे बैक पीरियड दूसरा है ए आर आर तीसरा एन पी वी चौथा है नन अवधि एन पी वी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज किया जाता है पढ़ोगे ना तो ऐसा लगे यार क्या पढ़ रहा है बिल्कुल एक मुश्किल क्वेश्चन है संभाल तो नहीं। ज्यादा आएगा इस प्रोजेक्ट में जब हैवी कैश फ्लो आता है अर्ली हैवी मतलब ज्यादा कैश फ्लो अर्ली स्टेज में आता है तब आईआर ज्यादा आता है या फिर हर कैश फ्लो इवनली होता बराबर होता है तब आई ज्यादा आता है या जो हैवी कैश फ्लो है वो लास्ट में आता है तब आई ज्यादा जाता है फर्स्ट में आता है ऐसा कहीं मैंने समझाया था एक क्वेश्चन हैवी कैश फ्लो शुरू में आएगा तो शुरू में जो आएगा उसको री करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इसलिए हैवी कैश फ्लो शुरू में आएगा तब आई जाता है टेक्निकल क्वेश्चन था री इन्वेस्टमेंट एजेंशन पढ़ा है ऐसा नहीं है सब काम आ रहा है री इन्वेस्टमेंट एजेंशन होता है आई आर आर में तो वो क्या एज्यूम करता आई आर आर में जो री इन्वेस्टमेंट होता है ना वो क्या एज्यूम करता है कि जो कैश फ्लो जो री इन्वेस्टेड होते हैं वो आई आर आर पे होते हैं या जो कैश फ्लो री इन्वेस्टेड होते हैं वो डब्ल्यू एस सी सी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होते हैं या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैन ऑफ दी दू एज्शन क्या था आई आर आर आई आर इसलिए कौन सा पिक्चर में आया मॉडिफाइड आई आर आर ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें डेप्रीसिएशन को भी कॉस्ट मानते हैं जनरली हम डेप्रिशिएशन को कॉस्ट मानते हैं क्या डेप्रिशिएशन क्या एक्सपेंसेस मानते हैं नहीं जबरदस्ती क्यों माइनस करते हैं टैक्स के लिए नहीं तो वापस कर करते पर ऐसी कोई मेथड है जिसमें डेप्रीसिएशन को आप एक्सपेंसेस मानते हो एनपीवी पी वी आई आर आर ए आर आर पैट लेते हैं मजा आएगा यहाँ करवाऊंगा तो अलग मजा है पर क्लास के साथ में करवाने में थोड़ा सा दिक्कत है उसके लिए अगर यहाँ करवाऊंगा यहाँ टाइम भी दूंगा ना आपको दो मिनट जैसे से सी ए फाइनल में चलता है सीरियसली तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नया चैप्टर कैपिटल बुस्टिंग प्लीज सबसे बड़ा चैप्टर है लोग डरते बहुत है कैपिटल के नाम तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका रिविजन कर लेना अब जो काम बचा है कुछ नहीं बचा है बहुत बड़ा चैप्टर आपने खत्म कर लिया है टेंशन खड़ा एक वर्किंग कैपिटल के नाम से लोग रोते हैं वो भी हम पहले ही खत्म करेंगे ये इस वीक में एक दो दो तीन चैप्टर खत्म करेंगे छोटे छोटे वाले प्योर वर्किंग कैपिटल वैसे वर्किंग कैपिटल के लिए तो मैंने एक तारीख से सात तारीख का डिसाइड किया था वन वो ज़्यादा अच्छा पहले सब कर लो प्योर वर्किंग कैपिटल ठीक है जी ब्रेक है आ, कितना बज रहा है अभी इलेवन से स्टार्ट करते हैं ठीक पंद्रह मिनट अफिशियंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया चैप्टर है